आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये क्लास है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे UPTET एग्जाम के बचे हुए कुछ दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। आपको इस सिलेबस के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इस क्लास में दोस्तों हम लोग EVS का सिलेबस देखेंगे और साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे तैयारी करने वाले हैं EVS सब्जेक्ट की। शुरुआत में आपको बताना चाहेंगे कि PDF के लिए आप लोग डियर लर्नर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कैसे तैयारी करेंगे EVS विषय की। इतने कम समय में क्या पढ़ना है, ना कि दुनिया भर की चीज़ें। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो इधर उधर का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, शास्त्र एवं पर्यावरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। विषय वस्तु, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। आगे है हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात। आगे फिर है संविधान, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, कामा व्यवस्थापिका, कामा न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, कामा राष्ट्रीय एकता। आगे है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएँ। आगे एक खान नंबर दिया है अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, कामा एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। आगे है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। इतने टॉपिक्स आपको EVS में पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक कब कब पूछा गया है। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से ये देखेंगे कि EVS के जो चैप्टर हैं वो UPTET और CTET में कब और कितने बार पूछे गए हैं। तो जैसे पहला नंबर एक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये कब कब पूछा गया है। 8 जनवरी 2020 में 3 क्वेश्चन आए हैं इससे, 18 नवंबर को 4 क्वेश्चन आए हैं, 15 अक्टूबर को 4 क्वेश्चन आए हैं, 19 दिसंबर को 3 क्वेश्चन आए हैं और 2 फरवरी 2016 को इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है 23 फरवरी को 2014 2 क्वेश्चन, 27 जून 2013 को 5 क्वेश्चन आए, 13 नवंबर 2011 को 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी में सीटेट में केवल 8 दिसंबर 2019 को 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है दूसरा नंबर पर्यावरणीय भूगोल, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, 8 जनवरी 2020 को इसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 नवंबर 2020 में इसे 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 15 अक्टूबर 2017 को इसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 दिसंबर 2016 को इसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 फरवरी 2016 में इसे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 फरवरी 2016 में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, 27 जून 2013 को इसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही 13 नवंबर 2011 को 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये टॉपिक सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ 7 जुलाई 2019 को एक क्वेश्चन पूछा गया, 9 दिसंबर 2018 को 1 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 22 फरवरी 2015 को 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 सितंबर 2014 को 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण, इससे भी सबसे ज़्यादा 13 नवंबर 2011 को 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और सीटेट में एक एक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। आगे है पर्यावरण प्रदूषण, टॉपिक नंबर 4। इसे 18 नवंबर 2018 को 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 19 दिसंबर 2016 को सबसे ज़्यादा 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 13 नवंबर 2011 को 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे करके आगे है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसे सबसे ज़्यादा 15 अक्टूबर 2017 को 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे आगे है 7 नंबर पर्यावरण कानून एवं अधिनियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब ये देख लेते हैं, 15 अक्टूबर 2017 को। ऐसे ही आपको पूरा चार्ट दिखाया जा रहा है कब और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अब आपको ये बता दें टॉपिक नंबर 16 है पर्यावरण शिक्षण एवं शिक्षण नीति, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। 8 दिसंबर 2019 को इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 8 क्वेश्चन हैं 7 जुलाई 2019 को, फिर 18 सितंबर 2016 को 10 क्वेश्चन, और फिर है 21 फरवरी 2016 को 6 क्वेश्चन, और 20 सितंबर 2015 को 11 क्वेश्चन। ऐसे करके पूरी आपको चार्ट दिखाया जा रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। हमारी आने वाली क्लासों में इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल के माध्यम से यूपीटेट सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।